is I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. दोस्तों क्या हाल चाल है, एक नए दिन में एक नए ब्लॉग के साथ स्वागत है आपका इन खूबसूरत वादियों में पहाड़ों की ओर। हम लोग आए हैं मनाला विलेज के लिए जो कि काफी खूबसूरत विलेज है और मैं माफी चाहूंगा आपसे कि मैं काफी टाइम से ब्लॉग नहीं कर पा रहा हूं, बट मैं अभी टाइम निकाल के मनाला की तरफ आया हूं जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा गाँव है। आपको दिखाएंगे हम आगे ये कितना खूबसूरत होने वाला है ये ब्लॉग। और को अभी अपने एक न्यू मेंबर से मिलाने जा रहा हूँ जो कि आगे आगामी ट्रैकों में आपको हमारे साथ देखने को मिलेगा। बाकी अपने साथ हैं एंडी भाई, अंकित भाई और एक भाई अंकित के साथ है, बाकी मज्जू आ रखा है तो इनसे मैं आपको आगे मिलाता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि सबसे ही रहने वाला है, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए एंड तक। ये हमारा नया ट्रैक पार्टनर है जो मेरा भाई सिम्बा, इसका नाम हमने रखा है। देखो कितना ज़्यादा वो कल रात से ट्रैवल कर रहे हैं तो इस वजह से वो ज़्यादा हाइपर हो चुका है यार, मेरे पे गुस्सा निकाल रहा है। सिम्बा नहीं, अबे जैकेट फाड़ देगा तुम्हें, छू नो नो फाड़ दी होगी, मर गई शांति तेरे को नो। अबे कितना छोटा बच्चा है, ले ले कुछ तो नहीं होगा। नहीं नहीं उम्मीद तो यही है मेरे को कि नहीं होगा कुछ, नहीं नो नो। दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। कल रात ही बारिश पड़ी थी इस वजह से देख सकते हो पूरी वैली में ना पूरा वाइट आउट हो चुका है, उधर से बर्फ रफ है और आगे काफी सारी स्नो मिलने वाली है। मैं और ये व्यू ले, इनका छोटा सा बच्चा है बट ये बहुत ज्यादा डर रहा है मेरे पास आने से। ले आजा, उसने पता क्या बोला जैसा कि आपको पता है हम लोग मनाला ट्रैक पे जा रहे हैं। इसकी फ्रंट डिस्प्ले फूट गई क्या? और इसी के साथ गाड़ी चल रहे हैं मलाड़ा गांव में। अरे हमें पांच बंदे, इसी के साथ हमारे साथ है बाबे सिम्बा जो का सिम्बा कहलाओ है। और बाबा देखो हमें नहीं मिल रही है यहाँ पे गाड़ी, मतलब ना बकचोद हो रही है थोड़ी टाइप की ना, तो हम निकल गए ही पैदल ही भाई। इसी के साथ दिक्की बाबा है। और चमने बाबा कुछ बोलोगे? हम क्या बोले यार, जो मुंह पे आता है बोल दो। बक दो मनाली में आपको कैसा लग रहा है? अरे बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। दोस्तों रात के 8 बज रहे हैं और हम लोग अभी मनाला के लिए अपना ट्रैक शुरू कर रहे हैं। बाकी अभी आपको भाई लोग बताएंगे ठंडा कितना हो रहा है पीछे। भाई ठंडा इतना हो रहा है कि हाथ जाम हो चुके हैं, जमी हुई है, फिसला इतना हो कि अभी अंकित बाबा आपको फिसल के दिखाएंगे। और इसी के साथ गाइस हम चल रहे हैं मनाली और देखो पार दिख रहा है मनाली। ये हमारे बिक्की बाबा, आप भी देखोगे ना पहाड़ों की ओर में। बाबा मेरे को दस्त लग गए हैं, दस्त खूनी पेचिस हो रही है। अरे मुझे बाबा आपको कौन सी पेचिस लग रही है? कोई दिक्कत नहीं अपने को। हां मुझे बाबा तो इसी भी गोरे चिकने हैं। बाकी सिम्बा से पूछ सकते हैं आप। सिम्बा आप बताओ मतलब आपको कैसा लग रहा है मनाली में? सिम्बा जी फुल मजे ले रहे हैं। सिम्बा जी सिम्बा बर्फ देख के बहुत ही प्रसन्नचित है। सिम्बा जी हरिओम कर दो जरा सबको। वाह बेटा सिम्बा की वाला स्वागत। सिम्बा जी बोलते चूर में रहेंगे। स्वागत है मलाड़ा गांव वालों की तरफ से हमारा, वेलकम मलाड़ा विलेज में। हाँ दोस्तों सिम्बा को देख सकते हो आप, सिम्बा बहुत ज़्यादा खुश हो चुका है यहाँ आगे वो देखो। और आज इस खुशी के मारे मेरे को मोटा सा भी लग रहा है थोड़ा। हाँ हाँ सीताराम दोस्तों, बबका तो खैर है एंडी का, ऐसी बात नहीं। बाकी सिम्बा भी पैकअप हो चुका है इधर पे और एक छोटा सा इधर पे। बाकी भाई लोग और इसी के साथ गाइस हम पहुंचे थे मलाड़ा गांव में, यहाँ हो चुकी है सुबह। और मेरे साथ है मेरा मित्र चमन्या, ये बोल रहा है भोसड़ी के, क्या इसको भोसड़ी का बोलना चाहिए? देखो सर कितनी अच्छी सर बोल रहा है, देखो ये देखो मतलब क्लाउड देखो ना भयंकर यहाँ। और इसी के साथ कहाँ तक है भाई जी आपके? ये यहाँ से करें इसके नीचे। कैसा लगा है व्यू आपको बताना?
मॉर्निंग, जैसा कि आपको पता है हम लोग कल मलाना विलेज में आए थे, तो आज हम एक ट्रैक करने जा रहे हैं जो कि यहाँ से बहुत पास है। बाकी जो हमारा सिम्बा है वो बहुत ज्यादा खुश हो चुका है, देख सकते हो नीचे बर्फ देख के ना, मतलब इसके अंदर का शैतान जा चुका है सिम्बा। बाकी रात को काफी मजेदार रही हमारी, रात भर हमने जॉइंट कुकर मार दिया, दारू पी और फुल भंड रहे हम लोग, और अब हम भांग पकौड़ी की तलाश में आगे के सफर को निकल रहे हैं। बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। बताओ सर कुछ। सर बहुत खुशी हो रही है, वैसे बर्फ बहुत ज्यादा कम है, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ही कम है, नगण्य है, कुछ नहीं है, नथिंग। बाकी हमारे भाई लोगों को भी नथिंग बोल रहे हैं, क्योंकि ये भी छकपक, मतलब इतना इतना तो बर्फ में डूबते ही है, नॉर्मल विंटर आता है, वो तो है, ये तो नथिंग है। बाकी हमारे हैंडी भाई बोल रहे हैं, तो हैंडी भाई कुछ बोलना चाहोगे? भाई जी यार ऐसा सुकून मिल रहा है गांव को देख के, जैसे कि लग रहा है कि हम कश्मीर में होंगे। अच्छा दोस्तों अभी थोड़ा सा आ गए हम, और स्नो थोड़ा बहुत ये देख सकते हो। आधा सिम्बा, और सिम्बा क्या है कि फुल मजे ले रहा है स्नो में। वाटरफॉल यहाँ से थोड़ा ही बचा है, बाकी अपने भाई लोग 2 से 3 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं उस वाटरफॉल के पास, जो कि मनाला से 2 किलोमीटर आगे है। हाँ काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पर पहुँच के। चलो मैं आपको अभी पास से दिखाता हूँ। सिम्बा चल आगे। दोस्तों मुझे आपको बड़े खेद के साथ बताना पड़ेगा, ये तो वाटरफॉल के नाम पर हमारे साथ बकचोदी की गई है। इस वाटरफॉल में पानी कम है या ज़्यादा ही समझ नहीं आ रहा। ये कंफ्यूज कर रहा है हमें वाटरफॉल, ये कंफ्यूज कर रहा है दोस्तों वाटरफॉल। पर ये एक इसकी हल्की सी हवा अच्छी लग रही है, मैं और तो कुछ है नहीं कुछ खास। जैसे कि आप लोगों को पता है बाबे लोगों, हम यहाँ से चढ़ेंगे रात को 6 बजे के आसपास, मतलब जिससे हमें आगे मतलब दिक्कत ना हो। और दोस्तों ये बहुत ही गंदा मजाक किया एंडी भाई ने आप लोगों के साथ, तो मैं माफी चाहूंगा इस चीज के लिए। बाकी एंडी भाई कुछ और बोलना चाहिए। अरे बाबा बकचोद होना कर रहे शाम को, हकीकत में तो जा रहे, बता दो भाई। भगवान भी तो ना माने हो गया, बंदूक जो तैयार किया, मैं तो चाहता हूँ फोड़ दो जोड़ दो जो भी करना कर दो। ये देखो खतरनाक, भगवान ने भी नहीं छोड़ दिया। क्या बोलो भाई साहब, यहाँ आया पापा अपना धंधा जिम्मेदारी काम करता, किसी का भेजी करता, किसी का खेती। ये जो है ना भेजी, ये देखो ये कुत्ता इधर निकल। हरिओम दोस्तों, शाम के 5 बज रहे हैं, तो क्या सीन है कि कल हमारी बस है, तो अभी हमको जल्दी निकलना पड़ रहा है नीचे के लिए। देखते हैं 31 काम आता है, जैसा भी रहेगा आप करते हुए। और इसी के साथ गाइस अलविदा मलाड़ा। ये है यार फाइनली हम भुंतर में पहुंच चुके हैं, रात के 8:30 बज रहे हैं, पीछे से गाड़ी आ रही हो हमको उड़ा सकती है।